आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग इंडिया में आ गए हो। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज मेरे बच्चों का छुट्टी है और हमारे यहाँ पे फेयर लगा हुआ है। ये जो फेयर है वो साल में एक ही बार होता है तो इसलिए आज मैं लोगों को लेके जा रही हूँ वहाँ पे। आना भी रेडी है, चल रही है मेरे साथ। और ये ऋषि सब्सक्राइब। तो फिर आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, टेम्परेचर 16 या 17 डिग्रीज पे है, ठंडा नहीं है, हवा भी नहीं चल रही है आज। लास्ट ईयर ये फेयर नहीं हुआ था कोविड की वजह से, लेकिन इस बार है तो मैं आप लोगों को इसलिए साथ में लेके चल रही हूँ कि आप लोग भी देख सकें कि यहाँ के फेयर कैसे होते हैं। और ये बहुत बड़ा रहेगा और ये काफ़ी बड़ा होता है और देखने में एक झूले में जाऊँगा। तो अभी मैं आप लोगों को वहीं पर मिलूंगी। Friends, we are very excited to go there because we will be doing a lot of things there. So keep watching the video till the end. सिर्फ मैं पार्किंग का सोच रही हूँ कि पार्किंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फाइनली हमें पार्किंग मिल गया और हमने पार्क कर दी है गाड़ी। 1% चांस था पार्किंग रूम है और हम जा रहे हैं यहाँ से। This place is very crowded today. सब स्टोर वालों ने अपना अपना स्टॉल लगाया है स्टोर्स के बाहर, आप देख सकते हो। आना आना, घूम जाएगी कहीं पे भी। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितना क्राउड है क्योंकि ये जो मेला है ये काफी टाइम के बाद हो रहा है। ऑस्कर शाम में यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं शॉपिंग के और बहुत सारी राइड्स भी मिलेंगी आपको। सिर्फ आप देखते रहना कि हम यहाँ पे क्या क्या करते हैं। तो फाइनली वी हैव एंटर्ड द प्लेस। काफी क्राउडेड है, कहाँ से शुरू करें देखना। Now we will start from this side. ये हैंडमेड पिज्जा का स्टॉल है। ये कैंडीज का स्टॉल है। यहाँ पे टॉयज का स्टॉल लगा हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग इंडिया में आ गए हो। यहाँ पे डोनट्स के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ के जो है वो डोनट्स बहुत पसंद करते हैं खाना और स्पेशली बच्चे। यहाँ पे ज्यादा जो स्टॉल्स दिख रहे हैं वो टॉयज और बैग्स के हैं। मेरे बच्चों ने ऑलमोस्ट सारे टॉयज को टच करके देखा कि कैसे हैं। चल रहे।
मेरे बच्चों ने तो ये घोड़े को भी नहीं छोड़ा, उसे भी टच करके देखा। आज हम लोग रात को बर्गर खाने को भी जाएंगे। तो आज यहाँ पे जो स्टेज बना हुआ है इसमें प्ले चालू है बच्चों का, सो लेट्स चेक आउट। Jag ska leta reda på ert bröd, just precis. Vi vill att någon säger att jag skulle också föra någon som kommer ta det på allvar. Ja, ni kan lita på. Är ni där? Vem är du? Jag är privatdetektiv Göran Persson. Och jag undrar vart barnet... Va? Vad säger pojken? Jo, jag undrar vart barnet... ऋषि को भूख लग गई है, उसे चूरोस खाना है जो कि स्पेनिश डिश होती है। ऋषि के लिए मैंने ऑर्डर किया है चूरोस विद न्यूट्रेला। जो डो होता है उसे डीप फ्राई किया जाता है ऑयल में, और उसे न्यूट्रेले के साथ खा सकते हैं, सिरप के साथ खा सकते हैं, या आइसक्रीम के साथ खा सकते हैं। अगर एवरी टाइम ऐसे रहेगा। ये वाला जो स्टॉल है यहाँ पर कैंडीज हैं, चिप्स हैं, नट्स हैं, सब स्नैक्स वाले आइटम्स हैं। अब हम जा रहे हैं राइड्स की तरफ। ऋषि को बड़े वाले राइड में बैठना है, वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहा है। जब उसका फ्रेंड आएगा तब वो उसके साथ बैठेगा। अन्ना को राइड्स बहुत पसंद है और उसने स्टार्ट भी कर लिया है फर्स्ट राइड में बैठना। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि जो मोस्ट ऑफ द राइड्स हैं जो हैंडल कर रहे हैं वो लड़कियां हैं। यहाँ बच्चों की मस्ती चालू रहती है। अगर छोटे बच्चे किसी राइड्स में बैठ रहे हैं तो उनके साथ में उनके पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी ऋषि दो गेम्स खेलने वाला है यहाँ पे, सो लेट्स सी कि वो जीतता है कि नहीं जीतता है। पहले वाली जो गेम है उसमें उसको बलून फोड़ना है। इसमें ऋषि ने एक बलून फोड़ा और उससे मिलता है ये प्राइस। अब ये वाली गेम चेक करते हैं कि क्या होगा। उसे तीन बार चांस दिया जाएगा। फर्स्ट बॉल मिस कर दिया उसने और ये सब गिरना चाहिए। पूरा पूरा करा। ना अभी ये डक्स वाली राइड में बैठ गई है। ऋषि गया हुआ है अपने फ्रेंड के साथ ये वाली राइड में, वो काफी टाइम से वेट कर रहा था इस राइड के लिए। इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं मैकडॉनल्ड्स जाने का, क्योंकि शाम के 5 बजने वाले हैं। एंड वी हैव स्पेंड 4 to 5 आवर्स हियर। आना जहाँ पे भी यूनिकॉर्न का हॉर्स दिखती है तो उसका स्टार्ट हो जाता है शॉपिंग करना। ये जो है ये नाइटीज है जैसा हम इंडिया में पहनते हैं। ये जो गेम है इसमें जो सबसे ज्यादा हैंग करेगा तो उसे मिलेगा
3,200 करोना का कुछ गिफ्ट। तो जो सबसे हाईएस्ट था वो 3 मिनट्स का था, तो 3 मिनट्स से ज़्यादा अगर कोई हैंग करता है तो उसे 3,200 का गिफ्ट मिलेगा। अगर कोई 1 मिनट से ज़्यादा कर रहा है, लेस देन 3 मिनट्स है, तो उसे एनर्जी ड्रिंक मिलेगा। ऋषि ने सिर्फ 30 सेकेंड्स ही हैंग किया, बट ही ट्राइड इज बेस्ट। क्या मिला? हाँ मिल गया, वाह। कोई कोई स्टॉल्स में यहाँ पे बच्चों को बलून्स भी दिया जाता है। हाँ इसके बाद मैं बच्चों को लेकर आई हूँ मैकडी में बर्गर के लिए, क्योंकि उन्हें भूख लग गई है। उस कॉर्नर पे बर्गर किंग है। आज बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत खेला, तो अभी वो थक गए, अभी उन्हें भूख लग गई है। और मुझसे पहले मेरे बच्चे पहुंच गए यहाँ पे। ऋषि ने तो स्टार्ट भी कर दिया है ऑर्डर करना। ऋषि ने अपने लिए ऑर्डर किया चिकन बर्गर और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया वेगन बर्गर। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करके बताना कैसी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे की वीडियोस के लिए।